हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपसी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सॉलिड स्टेट एंड ठोस अवस्था का अंतिम लेक्चर है, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक है चालक अचालक और अर्धचालक। हमारा टॉपिक है चालक अचालक और अर्धचालक, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिकों को हम अच्छे समझेंगे कि चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। इनको डिफाइन करेंगे, ठीक। और चालक को चालक क्यों कहते हैं, ठीक। अचालक को अचालक क्यों कहते हैं, अर्धचालक को अर्धचालक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो इनकी परिभाषा देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और ठीक तीनों की, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि चालक को चालक क्यों कहते हैं, अचालक को अचालक क्यों कहते हैं, अर्धचालक अर्धचालक क्यों है, ठीक। ये सब बताएंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है चालक। तो सबसे पहले समझेंगे चालक क्या होते हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था का अंतिम लेक्चर है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो चालक क्या होते हैं, सबसे पहले है कि चालक क्या होते हैं, ठीक है। तो चालक मतलब कोई भी, जैसे कोई ठोस है, क्या है ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। कोई ठोस ऐसा है जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, वो हो जाएगा हमारा चालक। क्या हो जाएगा, चालक। यानी वे ठोस जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। यानी कोई ठोस है उसमें आसानी से करंट आ जाए, क्या आ जाए, करंट। करंट आ जाएगा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चालक, ठीक है। यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक, ठीक है। अब जो चालक होते हैं इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो चालक होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत कम होती है। और इनकी चालकता का परास जो होता है 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। जो चालक होते हैं इनकी चालकता का परास कितना होता है, 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। और जो चालक है उनका एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। ये क्या है, इनके एग्जांपल होंगे, ठीक है। क्या हो गए, एग्जांपल हो गए, जैसे मैग्नीशियम है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। और एल्युमिनियम में भी हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल और भी हो सकती है, ठीक है, और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, एजी, ये सब क्या है, चालक है। यानी वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक, ठीक। अगला हमारा टॉपिक आता है अचालक। क्या आता है, अचालक, ठीक। तो अचालक को समझेंगे, यानी कि वे, ठीक है, जैसे मान लो कोई ठोस पदार्थ है, क्या है, कोई ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित ना हो, जिसमें विद्युत धारा क्या हो, बिल्कुल प्रवाहित ही ना हो, वो क्या हो जाएंगे हमारे, अचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अचालक। यानी कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचालक, ठीक है। और अचालक जैसे, और अचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है। अचालक की प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और इनकी जो चालकता का परास होता है वो कितना होता है, 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, जो कि नगण्य है। कैसा है, नगण्य, यानी बहुत कम है, ठीक है। अचालक क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें की प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत कम, बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक। और इनकी चालकता का परास कितना होता है, 10^-20 से 10^-10 ठीक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, जो कि बहुत नगण्य है। जैसे एग्जांपल है लकड़ी, सूख की लकड़ी, ठीक है, और प्लास्टिक, ये क्या हो जाएगा, इनका एग्जांपल हो जाएगा अचालक। को अचालक समझोगे, जो वे पदार्थ, कोई वे ठोस या वे ठोस पदार्थ जिनके द्वारा बिल्कुल प्रवाहित ना हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, अचालक। अब हमारे आते हैं अर्धचालक। क्या आते हैं, अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो भी जाती है और नहीं भी होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे पदार्थ हैं
ये विद्युत धारा प्रवाहित हो भी जाती है और नहीं भी होता है, ठीक है। जो अर्धचालक होते हैं, ठीक, वो चालकों और अचालकों के बीच में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी जाए और ना भी हो, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो जो चालक और अचालकों के बीच में जिनकी विद्युतता होती है वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ये बीच के होते हैं, कैसे होते हैं? बीच, ना चालक है ना अचालक है। एक एक तो नर होता है, एक मादा होता है, आपने सुना होगा, एक बीच का अंग होता है, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ना नर है ना मादा है, ये बीच के हैं, ठीक है। तो समझ गया, तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होता है? ये चालक है और ना अचालक, ये चालक चालकों के बीच में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी जाती है और नहीं भी होती है, ठीक है। अब इनकी जो चालकता का प्रास होता है वो कितना होता है? 10^-6 से 10^4 mm² होता है। जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता का प्रास कितना होता है? 10^6 से 10^4 mm² होता है, ठीक है, ठीक है। और इनके एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? हमारे अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। तो आप लोग सीख गए होंगे चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका हो गया सिल्वर, हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, ये क्या है? हमारे चालक हैं। वे पदार्थ जिनके विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, या कुचालक भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अचालक जिसके विद्युत धारा प्रवाहित हो भी जाती है और नहीं भी हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब हम टॉपिक को समझेंगे कि चालक चालक क्यों होते हैं, अचालक अचालक क्यों होते हैं, अर्धचालक अचालक क्यों होते हैं, ठीक है।